जगह से दिनेश लाल यादव निरहुआ को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये आ रही है कि 1 जून से दिनेश लाल यादव निरहुआ की बाकी बची फिल्म की शूटिंग आए हम बाराती, आपको याद होगा इस फिल्म की शूटिंग लखनऊ में कर रहे थे दिनेश लाल यादव निरहुआ, और अब इस फिल्म की बाकी बची शूटिंग को वो कम्प्लीट करने जाएंगे। ये वही फिल्म थी जिसकी आधी शूटिंग के दौरान दिनेश लाल यादव निरहुआ को पता चला था कि वो आजमगढ़ से अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और इस फिल्म को आधे में ही छोड़ दिनेश लाल यादव निरहुआ आ गए थे आजमगढ़ अपना चुनाव प्रचार करने के लिए, और फिल्म आधी कंप्लीट हुई थी। फिल्म के डायरेक्टर हैं संतोष मिश्रा, जो कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के बहुत अच्छे दोस्त थे, और दिनेश लाल यादव निरहुआ इस फिल्म को आधा ही छोड़कर आजमगढ़ रिटर्न हो गए, और फिल्म की यूनिट लखनऊ में थी जिसने फिर वापसी की मुंबई के लिए, क्योंकि बगैर निरहुआ के फिल्म की शूटिंग कंप्लीट नहीं होती। और अब खबर आ रही है कि फिल्म की आधी बची हुई शूटिंग कंप्लीट होगी लखनऊ में ही, जो कि 1 जून से फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जब तक इस फिल्म की शूटिंग खत्म नहीं होगी निरहुआ किसी और फिल्म को डेट नहीं देंगे, क्योंकि इस फिल्म को आधे में ही छोड़ निरहुआ गए थे जिसके कारण फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर का बहुत लॉस हुआ था। इस लॉस की भरपाई करने के लिए दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अभी तक किसी और फिल्म को डेट नहीं दिया है, इस फिल्म को वो कंप्लीट कर लेंगे। और इस फिल्म में उनकी हीरोइन पंजाबी एक्ट्रेस है, जो कि आपको कई हिंदी धारावाहिकों में यानी कि हिंदी सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं। से कमिटमेंट की बात करें तो अपना कमिटमेंट पूरा करने में दिनेश लाल यादव निरहुआ का कोई भी सानी नहीं है। वो जानते हैं कि अगर उनकी वजह से किसी को लॉस हुआ है तो उसकी भरपाई कैसे की जाती है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।